हाँ चलो चलो चलो, लोड करके आ गए हम यहाँ पे कंडा करने के लिए। ये आप देख ही सकते हो यार, एक लाइन में लगना पड़ता है जब यहाँ पे कंडा होता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अपनी गाड़ी तो मैंने कर ली स्टार्ट, बस जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कल रात के व्लॉग में कि हम गए थे अपने डिस्ट्रिक्ट में लाहिरकीपुरा, वहां से लाया था। फिर एक यहाँ आते आते हमें 1 बज गए रात के, तो उसकी वजह से नींद पूरी नहीं हुई आज। बस गाड़ी तो कर ली स्टार्ट, अब निकलेंगे ये फिर अनलोडिंग करने के लिए। गाड़ी को तो कर लिया स्टार्ट, ये आप देख सकते हो सारे भाई निकल चुके हैं काम पे, बस कुछ भाई यहाँ पे रह गए तेल डाल रहे हैं। वो आप देख ही सकते हो, वो है तेल की टैंकर, ये आप देख सकते हो। बस एक एक करके डाल रहे हैं तेल, उसके बाद मुझे भी डालना है, मतलब मुझे पहले अनलोड करना है उसके बाद मैं डालूंगा। तो आ गए वापस अपनी जगह पे जहाँ पे हमें पार्किंग एरिया है, ये आप देख ही सकते हो। यहाँ पर पहुँच गए मैं वापस, अब करना है काम। यहाँ पे डालेंगे तेल, वो एक एक करके सारी गाड़ी तेल डाल रही है। अब मेरा भी नंबर आएगा और मैं भी डालूंगा तेल। चलो करते हैं काम, यहाँ से डालते हैं तेल, उसके बाद निकलना है यहाँ से सीधा नारबल से बड़गाम, मतलब बड़गाम में मुझे पता नहीं उस गाँव का नाम क्या जहाँ पे हमें जाना है। यहाँ से लाना है जेबी फेरा, और यहाँ पर आज मिली हमें वर्दी, आप देख सकते हो यूनिफॉर्म मिल गई अपनी कंपनी की। एक तो ये जैकेट और दूसरा शूज और तीसरी कैप, कैप में आपको दिखाऊंगा कौन सी मिल गई, ये वाली देखो कैसा लग रहा हूँ मैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बोल देना मैं कैसा लग रहा हूँ। बस ये 3 चीज़ें हमें मिली इस कंपनी की तरफ से फिलहाल। तो चलो अभी करते हैं काम, यहाँ से डालते हैं तेल, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। अपना नंबर तो आ गया तेल भरने के लिए, बस यहाँ पे लगा दी अपनी गाड़ी तेल डालने के, देखते हैं कितने लीटर हो जाएगी। कम से कम मेरी टंकी तो आधी थी, अब देखते हैं आधी टंकी में कितना और तेल जाए। कम से कम मेरे ख्याल से 200 लीटर तक जाएंगे। यहाँ पर रीडिंग तो चल रही है 75 लीटर तो आ गए, और बाकी सर ठीक हो अच्छे से मज़े में? चलो जी करो यहाँ पे अंदर से आप देख सकते हो मतलब कितनी टंकी अभी आई है। डीजल तो कर लिया फुल, अब हम निकल गए यहाँ से सीधा बड़गाम के लिए। जो कुछ भी हम काम करते हैं ना वो हम इस लॉग बुक पे लिखते हैं। ये है मेरी गाड़ी का नंबर, अभी चॉइसेस नंबर है ये वाला, और वो सब काम हम इसी पे लिखते हैं। अब सारा जो भी काम होता है वो हम इसी पे लिखते हैं, ये मेंटेन करनी पड़ती है ये डायरी, तो इस पर सारा अपना हिसाब रहता है। ये है नारबल का मेन चौक वहाँ पे, और यहाँ से तो आगे हम आ गए, इधर से ही जाना है सीधा इस हाईवे से, श्रीनगर हाईवे से। ये अपना भाई आदि भाई यहाँ पे तेल डाल रहा था, ये भी इधर ही नारबल में रहता है, बस इसको जाना है। ये है बारहचिकी इसकी, इसको जाना है अभी जम्मू के लिए। चलो इसको भी मिल के चलते हैं, साथ साथ में ही चलेंगे क्योंकि वो श्रीनगर तक हमें साथ साथ में ही जाना है। वहाँ से मैं जाऊँगा राइट और इसको जाना है सीधा। आ जाओ भाई आ जाओ, इसकी गाड़ी का व्यू मैं आपको दिखाऊँगा थोड़ा सा। देखो जी गाड़ी देखो कितनी मस्त लग रही है। भर दिया तेल, फुल कर दी टंकी, फुल कर दी। मैंने भी अभी फुल की टंकी। चलो निकलते हैं अब। चलो जी आ जाओ आ जाओ। और भाई बाकी ठीक हो मजे में अच्छे से? चलो जी चलो।
हाँ चलो चलो चलो, मैं भी आता हूँ आपके पीछे पीछे, इसके रील्स में उठाऊंगा थोड़ी सी चलते चलते, बहुत ही मजा आने वाला है। यहाँ पे हम अभी श्रीनगर तो पहुँच गए, बस अब बाई निकलेगा सीधा इसी रास्ते से आगे जम्मू के लिए, मैं निकलूंगा इधर से राइट। हाँ चलो बाय बाय, मिलेंगे जल्दी। हाँ वापसी में मिलेंगे आप, हाँ जल्दी में। सेब का किराया नहीं है, खाली जा रहे हो, खाली जा रहे हो और क्या, सेब का किराया नहीं है, ओ अब क्या करेंगे, मजबूर है जाने के लिए, गाड़ी का खाली है, बाई की गाड़ी देखो। चलो दिखाएंगे आपसे वापसी में भी अच्छी से, क्योंकि अभी ना वाशिंग की नहीं है भाई, नहीं किया वाशिंग यार, हम कल शाम को आए, रात को घर में थे, सुबह भी अभी फिर से निकल गए हैं। चलो आपसे मिलेंगे, चलो बाय बाय। हाँ ओके बाय, खुदा हाफिज। चलो जी निकल गए हम यहाँ से, आप भाई निकलेगा यहाँ से सीधे, और मैं निकला हैदरपुरा से राइट साइड को जाना है बड़गाम, जो कि आपको पता ही है। ये पहुंच गए हम अभी परंपरा मंडी श्रीनगर, यहाँ लेफ्ट साइड में आती है परंपरा मंडी, आपको इस जगह से पता चल ही गया होगा, जो यहाँ पे रोज आता है ना, जो भाई आता है उसको पता चल ही गया होगा कि ये कौन सी जगह है। अभी तो हम पहुंच गए लोडिंग जगह पे, बस यहाँ पे तो लोड हो रहा है, इसके बाद मेरा नंबर है, ये मैंने अपनी पर्ची पकड़ ली, इसके बाद ओरिजिनल पर्ची बनवानी है वहाँ गेट पे, वहीं पे कंडा वंडा हो जाएगा और वहाँ से होके हम निकल जाएंगे सीधा हम वापस अपने नारबल के लिए। ये आप देख सकते हो फिलहाल तो लोड हो रहा है इस गाड़ी का। लोड करके आ गए हम यहाँ पे कंडा करने के लिए, ये आप देख सकते हो यार, एक लाइन में लगना पड़ता है जब यहाँ पे कंडा होता है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है ना, एक तो रॉयल्टी पर्चा और कंडा पर्ची वगैरह लिखनी पड़ती है, उसमें टाइम लगता है। तो चलो ये अपनी गाड़ी है, जा रही है अभी लोडिंग के लिए, बस अभी तो बज गए 2:20, तो यहाँ से निकलते हुए हम पहुँचे करीबन 4 तक नारबल में। तो चलो करते हैं यहाँ पे कंडा और उसके बाद निकलते हैं, मेरी गाड़ी इसके बाद है।